एक इन्होंने कहा कि बाद अकात तो नाबालिग बच्चा या बच्ची फौत हो जाते हैं तो क्या उनकी फातह खानी करवानी चाहिए या नहीं और अगर ना करें तो बाद तो उनके घर वाले नाराज़ हो जाते हैं क्या हुक्म शरा होगा देखें फ़ात खानी क्या है कि आप कुछ कुरान वगैरह पढ़ कर उसका सवाब ईसाल करते हैं ये बालग को भी पहुँचता है और नाबालिग को भी पहुँचता है इस नज़र से करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप कर सकते हैं बच्चों को चलें फ़ायदा ही होगा लेकिन अगर आप ना करवाएं तो जब तक बच्चा नाबालिग होता है और उसका इंतकाल हो जाए तो उसका तो कोई हिसाब व किताब ही नहीं होता उसके नाम अमाल में बलूगत से पहले कोई गुना लिखा ही नहीं जाता तो फिर बस इतना ज़रूर होगा कि आपके फातह खाने से उसके कुछ दरजे बुलंद होंगे ये एक जो तस्वर होता है बाद अवतारत की कहीं शनाव अज़ाब में मुबला हो तो चलो तकफीफ़ हो जाएगी हो सकता है ये इसब उसकी बख्शिश का सबब बन जाए वो तस्वर यहाँ नहीं हैं अगर वो मुसलमान का बच्चा है वो तो शुदा है और उसके दराजात क्या उसको बुलंद होने वो तो छोटा बच्चा है वो जन्नत में जाएगा अपने माँ बाप के पास होगा तो ख़ुला कलाम यह है कि ये फ़ाह खाने वगैरह करवाना कोई ज़रूरी नहीं है अब इस पर नाराज़ होना ये और बेजा है मैं जितने हमारे देखने वाले अहल सुनत से तल्लु रखने वाले हैं और दिगर मकातब फ़िक्र भी इससे कोई हदायत हासिल करें अवाम की बात कर रहा हूँ तो कोई हरज नहीं है लेकिन अब जो भी आपके घर में एक नज़रिया है आपका एक अक़ीदा है आपके घर में कुछ रसूम हैं कुछ मामूलात आप लगातार देख रहे हैं कि आपके बढ़ते कर, बड़े करते चले आ रहे हैं खुदारा एक दफ़ा ये ज़रूर अपने आप से क्वेश्चन करें या घर वालों से पूछें कि ऐसा क्यों है इस ये जो अकीदा है हमारा इसकी दलील क्या है ये जो हमारा नज़रिया है मसलन जूते में जूती आ जाएगी सफ़र पर जाना होगा कौवा काें कहें करें करेगा मेहमान आएगा पूछें इसकी दलील क्या है ऐसे जो घर में रसूमा होती है क्यों होती हैं रसूमा और जिस तरीके से हम कर रहे हैं इस तरीक़े पर क्या दलील है जैसे पिछली दफ़ा कुंडों की नियाज के बारे में क्वेश्चन हुआ था कि हमारे यहाँ कुंडों की नियाज एक कमरे में बंद करके की जाती है बाहर नहीं ले जाने दी जाती और औरतें पकाती हैं नामारम मर्दों के लिए और अधेड़ उम्र के मरदा के खाते हैं ये जो सारी खुराफा शामिल किए पूछो तो सही कि इसकी दलील क्या है क्यों आप इसको फॉलो कर रहे हैं एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता ना अल्लाह की मान रहा है ना रसूल की मान रहा है ना कुरान पढ़ता है ना रोज़ा रखता है ना नमाज़ पढ़ रहा है इसकी फ़िक्र नहीं है इसकी जरूरत है कि जी ये मिट्टी के कुंडों में क्यों नहीं बना एक कमरे से दूसरे कमरे में क्यों ले गए जवान क्यों आ गए बीबी फातिमा के नियाज़ मर्द नहीं खाएंगे औरत खाएगी क्यों इसके बारे में क्वेश्चन तो करें ऐसे जो आपके घर में मामूलात हो रहे हैं सारे उनके बारे में आपको क्वेश्चन करना चाहिए जब आपको तशफे वाला जवाब मिल जाए कि ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल कुरान और हदीस के मुताबिक हैं उसको इख्तियार करें जो क़ुरान और हदीस के मुआफिक नहीं है लेकिन मुखालिफ भी नहीं है उनकी इजाज़त तलब करें कि करते रहें या नहीं अगर कोई मुफ्ती साहब कहें ठीक है ये कर सकते हैं कोई मसला नहीं वो भी करते रहें और जिनको मना करें कि ये बिल्कुल कुरान हदीस के ख़िलाफ़ हैं या कोई आले में दीन इस वजह से मना करे कि आज अगर हम इनको इजाज़त देंगे कुछ चीज़ें सही हैं लेकिन इजाज़त दे देंगे तो ये गलत तरीका चलता रहेगा और एक वक्त आएगा ज़रूर इसमें बिगाड़ पैदा होगा इस वजह से मना कर रहे हैं तो वो उनकी अजमत को सलाम है बिल्कुल उनको फॉलो करना चाहिए ये जितने आजकल मज़ारात पर आप चले जाएँ बारहवीं शरीफ के जुलूसों के अंदर चले जाएँ अगर कोई गलत काम हो रहा है खुराफात हो रही हैं इसकी इजाज़त तो कभी भी वो ने नहीं दी थी उन्हें तो मज़ारत की हाजिरी हो बारवीं हो ग्यारहवीं हो दीगर जो मामूल अहिल सुन्नत हैं उनकी बड़ी लिमिटेशन के साथ इजाज़त दी थी कदात लगाई थी शराइ बताई थी अवाम शराइ भूल गई कदात खुब सब ख़त्म लिमिटेशन सब बाहर अब वो अपने खुद ही सब कुछ करते हैं और कोई आलिम मना तो करके बता दे उसी गरीबान पकड़ देंगे वहाँ पर इसलिए हम जैसे जो हम मुआरे पर गहरी नज़र रखते हैं अवाम में काम कर रहे हैं हमें पता है कि आवाम को एक चीज़ की आप इजाज़त देंगे आप कहेंगे जी मुबा है ना गुना ना वाब लेकिन कल ये कब इसको कब गुना बना दें इससे हमें बचना चाहिए तो इसलिए मैं तमाम घर वालों से और खसूस सरपरस से गुजारिश करता हूँ कि आप हर चीज़ के बारे में पहले क्वेश्चन करें क्यों ये क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ ये नहीं करेंगे तो हमारे घरों में बिदतें और ख़ुराफ़ा दाखिल हो गई हैं असले दिन कहीं नज़र नहीं आएगा आपको यह अपनी खुदसाख्ता बनाई हुई कुछ रसूमा और मादल अगर मैं इसको लफ्ज़ करूँ कि हमने अपनी ही शरीय बना ली है ना अल्लाह की सुनते हैं ना रसूल की सुनते हैं तो फिर ये याद रखें जितने सरपरस मुझे सुन रहे हैं बरोज़ क़ैमत आपको खड़ा किया जाएगा कुल्लक रायन वकुल्कुम मसूल नाइन रईयत ही आपके नबी फरमाते हैं हर शख्स हाकम है उससे उसकी रियाया के बारे में कोश्चन किया जाएगा फिर फरमाया मर्द अपने घर पर हाकम है उससे उसकी बीवी बच्चों के बारे में क्वेश्चन होगा लिहाजा ये मामला बहुत से मामला सिर्फ औरतों पर ना छोड़ें कि औरतें कहती हैं है, भाई तुम्हें नहीं पता तुम जाओ हमें का, हमारा काम करने दो कैसे तुम्हारा काम करने दो आप गलत काम कर रही हैं आप बिदत आम कर रही हैं आप अपनी आने वाली नस्लों को गलत रास्ते पर लगा रही हैं आपको कैसे इजाजत दे दी जाए सरपरस्त की जिम्मेदारी है अल्लाह ताली समझने की तोफ़ी त फरमाए